गेटलाइट क्रीम इसे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 20 ग्राम का वन ट्यूब है, जिसकी कॉस्ट है 234 रुपया। इसके अंदर तीन मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोक्विनोन 2%, मोमेटाजोन 0.1% है, ट्रेटमेंट 0.025% है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है बैलेंस्ड मॉलिक्यूल है, यह हेल्प करते हैं आपके मेलाज्मा को ठीक करके, आपके रिंकल को ठीक करके, आपको स्किन लाइटनिंग करते हैं, ब्राइटनिंग करते हैं। जब आपको झुर्रियाँ रहती हैं या जैसे कि एज डार्क स्पॉट हो गया या आपको जैसे कि सनबर्न हो गया, तब यह बहुत अच्छे से वर्क करता है, यह बहुत अच्छे से आपको रिलीफ दिलाता है इन चीज़ों से। तो इसका जो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, इसे नाइट टाइम में ही यूज़ करना है। अगर इसके मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, इसका जो मॉलिक्यूल कैसे वर्क करता है, ये जो हाइड्रोकिनोन है यह मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है। जो आपका मेलानिन रहता है वही आपकी स्किन को कलर देता है। अगर आपका मेलानिन का प्रोडक्शन हाई होगा तो आपकी स्किन ज़्यादा डार्कर होगी। यह इसलिए होता है आपका मेलानिन का प्रोडक्शन हाई, क्योंकि आपकी स्किन आपको प्रिवेंट करती है सन रेज से, जिसमें यूवी एंड यूवीबी रेज रहती है, जो बहुत ही हार्मफुल रेज रहती है, आपकी स्किन को जला भी सकती है। तो इसलिए उससे रोकने के लिए हमारी स्किन एक अंदर से ही मेलानिन का प्रोडक्शन हाई करता है, जिसकी वजह से वो रेज रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बच जाती है। तो इसलिए है, अगर आपका मेलानिन का प्रोडक्शन कम होगा तो आपका स्किन ज़्यादा ही फेरी रहेगी। तो अगर इसके अंदर बात करें मेलाज्मा में जो मोमेटाजोन के बारे में, तो यह एक जो मॉलिक्यूल है यह आपकी स्किन में जो सूजन, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, इरिटेशन रहता है उसे कम करने में मदद करता है। और इसमें जो ट्रेटिनॉइन है यह आपकी स्किन को जो फर्स्ट लेयर रहती है उससे पील करने में हेल्प करता है, ताकि आपकी स्किन को एक अच्छा सा गुड लुकिंग कलर मिले, यानी कि आपकी स्किन फेरी बने। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं इस तरह की समस्या में, तो एक बार जरूर डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट करें। अब बात करते हैं इसके बारे में प्रिकॉशन के बारे में। तो जब आप इसे लगाते हैं तो इतना ख्याल रहे कि नाइट टाइम में लगाना है और 30 मिनट के लिए लगाना है। और जब भी आप बाहर जाते हैं तो ख्याल रहे आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, या आपके पास सनस्क्रीन नहीं है तो आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, या जैसे कि आप अपने स्कार्फ का इस्तेमाल करें अगर आप वुमेन हो तो। जिसके वजह से क्या होगा कि आपकी स्किन प्रॉपर बची रहेगी, और जैसे कि आप नहीं इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंटेशन नहीं लेते हैं, प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि आपकी स्किन ज़्यादा डार्कर हो सकती है। इसलिए आपके लिए लगाने से पहले आपको प्रिकॉशन लेना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखेंगे कि आप इसे यूज़ करें तो 1 महीने के अंदर ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद फॉलोअप में आप कोई कोजिक एसिड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं इसे बंद करके। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ, आपको अपडेटेड रखता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट डायरेक्ट वीडियो से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।